महोबा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर शिष्य मंडल के तत्वावधान में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में सनातनी ध्वज के साथ शिष्य मंडल के सदस्यों ने श्याम मानव मुर्दाबाद के नारे लगाकर अल्हा चौक पर पुतला फूंक विरोध जताया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया और साथ ही कार्रवाई की मांग की गई। सरकार की जय, सनातन धर्म की जय। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्रमुख है श्याम मानव, जो मैं ईसाई धर्म को मानता है और जिसने हमारे सनातन धर्म के विरोध में हमेशा आवाज़ उठाई है। हमारे महाराज जी सनातन धर्म का प्रचार देश और विदेश में कर रहे हैं। महाराज जी जो हमारे बागेश्वर धाम सरकार है, पीठाधीश और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि ये अंधविश्वास और ढंग जादू टोना फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जो भी उन्होंने आरोप लगाया वो निराधार है, वो धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है। श्याम मानव और श्याम मानव के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कराने के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार महोदय को दिया है और हम लोग चाहते हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और ऐसे श्याम मानव को हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है। हम ऐसे श्याम मानव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। श्याम मानव मुर्दाबाद।